ट्रीटमेंट भी कराया होम्योपैथिक एंड एलोपैथी और सारे के, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ जो मैंने नहीं की। उसके बाद मेरे मन में काफ़ी डाउट थे, जो टीम ने अच्छे से मुझे जो कि मुझे लगता है शायद ठीक भी हो सकता है, ये कम ज़्यादा रोता रहता है। बाकी कोऑर्डिनेशन डॉक्टर्स का एंड पूरे स्टाफ का बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और सर्जरी जो थी वो पेनलेस थी। हेलो, मेरा नाम असीम खान है, मेरी एज 29 ईयर्स है और मैं सहारनपुर से आया हूँ यूपी। हेयर लॉस की परेशानी में 2 से 3 साल से हुई थी, धीरे धीरे ये बाल्डनेस का ये एरिया मेरा रिसाइड होना शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने काफ़ी होम रेमेडीज लेनी शुरू हुई, ट्रीटमेंट भी कराया होम्योपैथिक एंड एलोपैथी और सारे के, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी पिक्चर्स मुझे अच्छी नहीं लगती थी। हेयर लॉस जो हुआ मुझे, वो लगता है मुझे जेनेटिक है जो मेरे फादर की तरफ से है। और फिर मुझे धीरे धीरे एहसास होना शुरू हुआ कि हेयर लॉस की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, तो मुझे लगता था कि अब करा लेना चाहिए। जैसे अभी कम एज है और धीरे धीरे करा ही लेता हूँ, मैंने सोचा। और ये QST के बारे में मैंने YouTube पर वीडियो देख रहा था, मैंने अभी रिसेंटली राजपाल यादव जी की वीडियो देखी, उधर से मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा ट्रस्ट वर्दी सेंटर है, तो यहाँ से मुझे करा लेना चाहिए। फिर मैंने QST का नंबर निकाला, ऑनलाइन स्क्रोल सर्च करके एक्सप्लोर किया। उसके बाद इन्होंने मुझे कुछ पिक शेयर्स करने के लिए बोला, जो मैंने नहीं की। उसके बाद मेरे मन में काफ़ी डाउट थे, जो टीम ने अच्छे से मुझे सजेस्ट किया और मेरी क्वेरी रिजॉल्व की। स्टार्टिंग में जब मैंने इन्हें फ़ोन किया तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था 3000 to 3200 पर ग्राफ, जो कि मुझे लगता है शायद ठीक भी हो सकता है, ये कम ज़्यादा रोता रहता है। और अभी मैं डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए जाऊँगा। मैं काफ़ी टाइम, मतलब मैं लगभग 1 से 1.5 महीने पहले फिजिकली आया था हरिद्वार में, टीम के साथ बात करके अच्छा लगा, फिर मेरी डॉक्टर से कंसल्टेशन हुई। अभी मैं सर्जरी के लिए जाऊँगा, तो अभी मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कभी पहले सर्जरी नहीं की, तो ये मेरी पहली सर्जरी होगी। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो भी मेरे ओवरऑल सर्जरी का एक्सपीरियंस रहे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दैट्स ऑल। देख सकते हैं मेरी सर्जरी अब कंप्लीट हो चुकी है। ग्राफ मेरे 3500 लगे हैं और उसके बाद मेरी जो सर्जरी थी वो पेन QST टेक्निक से हुई थी और बीच बीच में मुझे रिफ्रेशमेंट में भी दी गई। एक ऊपर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये था, बाकी कोऑर्डिनेशन डॉक्टर्स का एंड पूरे स्टाफ का बहुत अच्छा था, और साथ साथ डॉक्टर्स ने जो हाइजीन था वो बहुत अच्छा था पूरे हॉस्पिटल का। और जो डॉक्टर ने प्रिकॉशंस दिया, मुझे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है और वर्क जो करना है थोड़ा सा झुकना नहीं है। और एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था और सर्जरी जो थी वो पेनलेस थी। और अगर कोई हेयर लॉस से कोई सफ़र कर रहा है और वो चाहता है तो जल्द से जल्द विज़िट करें, मेरा तो सुझाव ये है जल्द से जल्द विज़िट करें। QST एक अच्छा क्लिनिक है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मिलते हैं मेरे फर्स्ट PRP सेशन पर, जो भी रिजल्ट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक्स QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।